एक 10 साल की मासूम बच्ची को स्कूल की शिक्षिका ने स्कूटी से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई। जब लोगों ने शिक्षिका से बात करनी चाही तो अन्य स्कूल की शिक्षिकाओं ने सभी के साथ बदसलूकी की। इस पूरे घटनाक्रम के कवरेज करने गई महिला पत्रकार के साथ भी स्कूली शिक्षिकाओं ने अभद्र व्यवहार किया। जी आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजीव नगर सरकारी स्कूल में और यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे साथ सामने एक 10 साल की बच्ची है जिसको यहाँ की अध्यापिका ने कल स्कूटी से टक्कर मार दी और मौके से ही फरार हो गई थी। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस प्रकार से अध्यापिकाओं द्वारा उनको बचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे 15 मिनट गेट पर खड़े रहने के बाद भी हमने बोला कि गेट खोल दीजिए, लेकिन कोई भी यहाँ पर गेट खोलने के लिए मौजूद नहीं हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से अध्यापिका द्वारा अपनी मैडमों को जो है बचाया जा रहा है। जिस अध्यापिका ने टक्कर मारी वो अभी तक यहाँ पे नहीं आई है और प्रिंसिपल द्वारा भी बोला जा रहा है कि हम इस तरह से गेट नहीं खोलते, कोई भी आ जाए, यदि कोई बच्चे का परिजन भी है तब भी हम लोग गेट नहीं खोलते। सरकारी स्कूल की छुट्टी के बाद जब बच्ची रोड क्रॉस कर रही थी तभी स्कूटी सवार शिक्षिका आई और बच्ची को टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से बच्ची को चोट आई है। मौके पर मौजूद लोगों ने शिक्षिका से बात करनी चाही तो उल्टा ये शिक्षिका बच्ची को ही डांटने लगी और मौके से फरार हो गई। जब बच्ची के इलाज के लिए एक युवती ने शिक्षिका से बात की तो शिक्षिका ने अपनी गलती मानने की बजाय युवती को ही अपशब्द कह डाले और उसके चरित्र पर सवाल उठा लिया। धक्का मुक्की करते हुए युवती को स्कूल से बाहर निकाल दिया। बच्चे कॉलेज से आ रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, वो मैम से हुआ था। मैम जैसे मैंने पूछा कि कैसे लगी चोट तो मैम बच्चे को डांट रही थी, तो मैंने बोला मैम कोई बात नहीं, चलो लगी तो लग गया, आप उसको दवाई दिला दो। तो मैम के बोलने लगी कि मेरे को स्कूटी चलानी नहीं आती और मैं बिठा के भी नहीं चला पाती, कि मैं अकेली खुद ढंग से नहीं चला पा रही हूँ तो मैं बच्चे को कैसे बिठाऊँ। तो मैंने बोला चलो मैम ठीक है कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलो, मैं इसको बिठा के लेके चल जाती हूँ। मैंने बच्चे को बिठाया तो मैं मौके पे फरार हो गई। बच्चे को तो कोई मेडिसिन कोई कुछ नहीं दिलाया, मुड़ के भी नहीं देखा पीछे, फिर वो भाग गई। फिर उसके बाद जब मैं आई आज सुबह मॉर्निंग में, मैंने कहा मैम को चलो बच्चे का ट्रीटमेंट करा दो, बच्चे के ज़्यादा चोट लगी है। तो मैं जब आई सुबह तो पहले तो गेट ही नहीं खोला, काफ़ी देर तक गेट खोलती थी। जब गेट खोलने की बारी आई तो गेट के बाहर से ही झाँक के बोले हाँ बोल क्या काम है। तो अब शब्द यूज़ किए उन्होंने हमारे साथ। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद स्कूल पहुंची महिला पत्रकार के साथ भी स्कूल की अन्य शिक्षिकों ने अभद्र व्यवहार किया और महिला पत्रकार को डंडा दिखाते हुए मारने की बात कहने लगी। लेकिन कैमरा देखते ही डंडा दिखाने वाली टीचर मौके से चली गई। आपने गलत अपना अपना देखो ऐसे मत बोल, देखो मैंने अब आप खुद ही सोचिए, बच्चों का भविष्य गढ़ने वाली ये शिक्षिका बच्चों के साथ क्या करती होंगी, बच्चे क्या ज्ञान अर्जित करेंगे। अब देखना ये होगा कि विद्यालय प्रशासन इन शिक्षकों पर क्या एक्शन लेता है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।